गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला, टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री विषय पढ़ा रही हूँ। और टेक्सटाइल्स और लॉन्ड्री के सिलेबस के अनुसार हमारे सेकंड चैप्टर इन दिनों क्लास में चल रहा है, और सेकंड चैप्टर है रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। और फाइबर्स में हमने सेलुलोजिक फाइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, कपास, लिनन, जूट, हेम्प, कॉयर, और उसके बाद प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन तंतुओं के बारे में हमने शुरू किया। और प्रोटीन में हमने सिल्क के बारे में कंप्लीट कर लिया, और सिल्क के अलावा प्रोटीन फाइबर एक और है वूल यानी ऊन, और ऊन के बारे में कई सारे क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और आज ऊन की विशेषताएं पढ़ने के बाद ऊन का चैप्टर यानी प्रोटीन के तंतु आज हम समाप्त कर देंगे, और उसके बाद में जो कृत्रिम तंतु यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वूल यानी ऊन से रिलेटेड, और ऊन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल। वूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को दो में बांटा गया है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम ले रहे हैं भौतिक विशेषताएं, ऊन की भौतिक विशेषताएं। पहला जो इसकी विशेषता है वो है कॉम्पोजिशन, संगठन। जो वूल है वो एक प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, केराटीन से मिलकर बना हुआ है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस इसका देखें, अनुवीक्षणीय आकृति अगर हम इसकी देखें, तो ये एक शल्कों वाली आकृति दिखाई देती है, एक शल्क, दो शल्क, तीन शल्क, तो शल्कों की इसके ऐसे अलग अलग इसकी स्टेजेस इसमें दिखाई देती है। तो तीन आवरण इसमें दिखाई देते हैं, सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसको कहते हैं क्यूटिकल, और क्यूटिकल आवरण ऊन को सरकने और फिसलने में मदद करता है। ऊन में सुरक्षा कवच बनके किसी के भी शरीर को बचाता है, और उसके अलावा जो ये क्यूटिकल है बाहरी आवरण, उसी के कारण ऊन थोड़ी फूली हुई और फुज्जीदार दिखाई देती है। फिर जो इसकी शल्क है उसका जो बीच का आवरण है उसे हम कहते हैं दूसरा आवरण कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स आवरण बहुकोशिकीय, बहुत सारी इसमें सेल्स होती हैं, इसमें बहुत सारे रंग के दाने होते हैं, और उसके अलावा दूसरे आवरण के कारण जो वूल है उसमें लचीलापन होता है। और सबसे आंतरिक आवरण जो है, सबसे अंतिम वाला, उसे हम कहते हैं मेड्यूला, और मेड्यूला में एक नलिका होती है बीचों बीच, और उस नलिका के अंदर वहाँ बीच में हवा भरी हुई रहती है, इसीलिए जो उनका रेशा है उसमें बीच बीच में हवा एकत्र हो जाती है, और वही हवा जो है वो कुचालक बन के हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और गर्मी प्रदान करती है। तो इस तरह से क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेड्यूला तीन इसमें शल्क होते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप से वूल को देखें तो। नेक्स्ट है तंतु की लंबाई। अगर हम इसके फाइबर की लेंथ देखें तो अगर 3 से 8 इंच की लंबाई अगर होती है तो वो रेशे अच्छे कहलाते हैं, और उनसे वस्टेड फैब्रिक्स, जो वस्टेड जो सूट के सूट लेंथ होती है जेंट्स के, उनके वाले कपड़े बनते हैं। लेकिन जो 1 से 3 इंच के रेशे होते हैं उनके, उनसे ऊनी वस्त्र, स्वेटर, कार्डिगन वगैरह, कंबल और ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्यास यानी डायमीटर। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ये बताती है हमें कि ऊन का जो व्यास और डायमीटर है वो अन्य तंतुओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और इसीलिए वो मोटा और फुज्जीदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है कलर यानी रंग। ऊन का रंग सफ़ेद भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, सलेटी, काला, कैसा भी हो सकता है। ऊन को हम वाइट भी रख सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, और चूंकि पूरा वाइट नहीं होता इसलिए ब्लीच करके वाइट करना पड़ता है, तो कलर कर सकते हैं, ब्लीच कर सकते हैं, और कोई सी भी जो उसकी भेड़ की नस्ल होगी उसके अनुसार ये कलर का ऊन आएगा। लेकिन अगर काले रंग की भेड़ है और काली ऊन काली भेड़ से आई है तो हम कभी भी ब्लीच करके उसको सफ़ेद नहीं बना सकते हैं। उसके बाद में है चमक यानी लस्टर। ऊन में
जो अपने आप में चमक होती है वो भेड़ की जाति और जलवायु उसकी देखरेख पर डिपेंड करती है, लेकिन जो एक बहुत ही चमक वाली जो ऊन होती है वो निम्न श्रेणी की ऊन कहलाती है, और जो एक नॉर्मल साधारण अच्छी वाली ऊन होती है उसमें चमक कम होती है। नेक्स्ट है मजबूती यानी स्ट्रेंथ। जब ऊन सूखी अवस्था में होती है तो वो मजबूत होती है, उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन गीली अवस्था में वो कमजोर हो जाती है। इसीलिए हम स्वेटर को धो के एकदम लटकाते भी नहीं है और ऐसे सुखाते भी नहीं है, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है प्रतिस्कंधता यानी रेजिलियंसी। रेजिलियंसी इसलिए होती है कि ये जो तंतु होते हैं ऊन के, उसमें बल होता है, ट्विस्ट होता है, घुमाव होता है, ऐंठन होती है। अगर हम इसको दबा के और छोड़ दें तो दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और वापस से छोड़ दें तो वापस से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसी को हम प्रतिस्कंधता ऊन की कहते हैं। लेकिन जब गीली होती है ऊन तो ये गुण समाप्त हो जाता है। आप उसको दबाओगे तो वो दबा ही रह जाएगा, वो उस वक्त नहीं फूलेगा, सूखेगा, तब वो वापस से पूर्व स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट है लचीलापन यानी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और मतलब लचीलापन और प्रतिस्कंधता करीब करीब एक जैसे से ही हैं, तो इसमें चूंकि इलास्टिसिटी अधिक होती है ऊन में, इसलिए ये अपनी स्थिति में रहता है। अगर स्वेटर पहन के और बहुत देर तक इस तरह से काम भी कर रहे हैं, कोहनी निकल भी गई है, लेकिन जब स्वेटर को उतारेंगे तो कोहनी, घुटना या जहाँ भी वो चौड़ा हुआ है तो वो स्वेटर अपनी स्थिति, पूर्व स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उनमें लचीलापन, ऊन के जो रेशे होते हैं उनमें लचीलापन की गुण होता है। नेक्स्ट है ताप संवाहकता, हीट कंडक्टिविटी। चूंकि ऊन का जो तंतु है वो प्रोटीन से मिलकर बना है तो वो कुचालक होता है ताप का, वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है, और इसीलिए इसको सर्दी में पहना जाता है जिससे कि ठंड से रक्षा हो सके। नेक्स्ट है जल अवशोषकता यानी हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर। मतलब ऊन जो होती है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, अगर पानी पास में आएगा तो वो जल्दी से अवशोषित कर लेती है, लेकिन उतनी जल्दी वो शेड भी कर देती है, मतलब उसका पानी, नमी जो है वो त्याग भी देती है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट। अगर हम धूप में, हवा में बहुत देर तक ऊनी कपड़ों को रखेंगे तो वो कमजोर भी हो जाते हैं और उनके रंग भी फेड यानी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है फेल्टिंग यानी नमदा बनाना। जो छोटे छोटे से ऊन के तंतु होते हैं, अगर उनको उचित ताप, दाब, नमी, क्षार का घोल, उन सब में अगर उसको दबाया जाए तो वो फेल्टिंग यानी नमदे का रूप ले लेंगे, और नमदे की पूरी एक शीट बन जाती है, उससे टोपी, कालीन या फिर वो जो मतलब नॉइस का एब्जॉर्ब करते हैं किसी भी रूम और इनमें, तो वहाँ भी हम उसको फेल्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीड़े और फफूंदी का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट्स। वैसे फफूंदी तो बहुत कम ही लगती है, फफूंदी नहीं लगती है स्वेटर्स में। अगर बहुत ही पसीना हो के और बहुत ही गंदगी करके रखें तो भले ही फफूंदी होती, बाकी फफूंदी नहीं होती, लेकिन कीड़े खा जाते हैं स्वेटर को, इसलिए ओडोनिल, नेफ्थलिन बॉल और या फिर नीम के पत्ते, ये सब उसमें कवर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है सूखे ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट। अगर हम ड्राई हीट देंगे, मतलब बहुत गर्म गर्म प्रेस अगर कर देते हैं स्वेटर पे, तो वो उसके तंतु नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए जब भी स्वेटर पे अगर प्रेस करनी हो तो एक मलमल का कपड़ा, बिल्कुल पतला, जिसको थोड़ा सा गीला किया हुआ हो, वो स्वेटर के ऊपर बिछा के फिर उसके ऊपर प्रेस करनी चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी ऊन पर, तो वुलन जो फैब्रिक है वो खराब नहीं होगा। इस तरह से ये भौतिक विशेषताएं हैं ऊन की। अब हम ऊन की रासायनिक विशेषताएं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। पहला है अम्ल का प्रभाव। अगर हम ऊन पर अम्ल का प्रभाव देखें तो सांद्र अम्ल जो होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, वो तो तंतु को नष्ट कर देते हैं, लेकिन अगर जो तनु अम्ल होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन तनु अम्ल को भी यूज करने के बाद में अच्छे साफ पानी से कपड़े को धो लेना चाहिए। दूसरा है क्षार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एल्कली। सांद्र साबुन जो होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोप जो होते हैं, वो तंतु को नष्ट कर देते हैं, फैब्रिक को पीला कर देते हैं, कड़क कर देते हैं, और जो उनकी बुनाई होती है वो एकदम जुड़ जाती है, जुड़ी जुड़ी हो जाती है।
अलग अलग फ्लफी फ्लफी फुज्जीदार नहीं होती है, इसलिए जो हम क्षार यूज़ करेंगे, जो एल्कली यूज़ करेंगे ऊनी वस्त्रों के लिए, वो बहुत उदासीन या हल्का क्षार वाला होगा। इवन जो न्यूट्रल डिटर्जेंट्स होते हैं, लिक्विड जो होते हैं इजी जेंटिल, उनसे ऊनी कपड़ों को धोना चाहिए, जिससे कि न उनका कलर हटेगा, न उनके तंतु की बनावट हटेगी और न वो जुड़ेंगे। और लास्ट है विरंजक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ब्लीच। वैसे तो ब्लीच न तो करना पड़ता है इसको और ब्लीच का कोई इफेक्ट भी नहीं आता, लेकिन अगर बार बार ऊनी वस्त्र पर ब्लीच कर रहे हैं या फिर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड ब्लीच अगर करते हैं, तो फिर ऊनी कपड़े जो है कमज़ोर भी हो जाते हैं और उनका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा ऊन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दो तरह की हैं, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में हम ये देखेंगे कि ऊन जो है वो प्रोटीन फाइबर है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर से बना हुआ है, कैरोटीन से बना हुआ है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें, उसकी तीन लेयर दिखाई देती है, सबसे बाहरी क्यूटिकल होती है, फिर कॉर्टेक्स होती है, फिर मेड्यूला होती है, मेड्यूला में नलिका होती है जो हवा बनाए रखती है, मेड्यूला के ऊपर कॉर्टेक्स है जो लचीलापन और रंग बनाए रखता है, उसके ऊपर जो है वो क्यूटिकल है जो कि सुरक्षा कवच बनाए रखता है। अगर हम उनकी तंतु की जो लंबाई देखें, तो जो छोटे होते हैं वो ऊनी वस्त्र बनाते हैं, जो लंबे 3 से 8 इंच के रेशे होते हैं वो वस्टेड फैब्रिक बनाते हैं। ऊन का जो रेशा होता है उसका डायमीटर अन्य तंतुओं की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए मोटे दिखाई देते हैं। उनके तंतुओं का कलर कोई सा भी हो सकता है, सफ़ेद काला सलेटी भूरा, और उसको हम ब्लीच भी कर सकते हैं, उसको कलर भी कर सकते हैं। उनके तंतु में ज़्यादा चमक नहीं होती है, लेकिन जाति और जलवायु पर निर्भर करती है भेड़ की, कि भेड़ कौन सी जाति, जलवायु, आहार और उसका कैसा देखभाल हुआ है। लेकिन ज़्यादा चमक वाला निम्न श्रेणी का ऊन कहलाता है, कम चमक वाला उच्च श्रेणी का ऊन कहलाता है। जब ऊन सूखी अवस्था में होता है तो मजबूत होता है, लेकिन गीली अवस्था में कमजोर हो जाता है। और जो ऊन होता है उसमें प्रतिस्कंदता रेजिलियंसी बहुत अच्छी होती है, अगर उसको दबा के छोड़ा जाए तो पूर्व स्थिति में आ जाता है। उसमें लचीलापन भी इतना होता है कि कैसे भी पहन लो लेकिन वापस से वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। और प्रोटीन का तंतु चूंकि कुचालक है, इसलिए गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, तो हीट कंडक्ट रखता है। और ऊन के तंतु में जल अवशोषकता अधिक होती है, लेकिन जल को वो अवशोषण करने के बाद में त्याग भी बहुत जल्दी देता है। और अगर उसको बहुत ज़्यादा गर्म हवा और धूप में रखा जाए ऊन के तंतु को, तो वो कमज़ोर हो जाता है, उसका कलर ख़राब हो जाता है। और अगर ऊन के छोटे तंतुओं को उचित ताप दाब नमी मॉइस्चर उसमें रख के दबाया जाए तो वो नमदे का रूप ले लेता है, जुड़ जाते हैं उसके तंतु। और अगर सूखा ताप उसको दिया जाए, बहुत गर्म प्रेस की जाए, तो तंतु नष्ट हो जाएंगे। इसलिए एक गीले मलमल के कपड़े को ऊनी वस्त्र पर रखकर प्रेस करनी चाहिए। ऊनी वस्त्रों पर फफूंदी नहीं लगती, लेकिन कीड़े लग जाते हैं, इसलिए नेपलिन बॉल ओडोनिल ये सब इस पर यूज़ करनी चाहिए। अगर हम रासायनिक विशेषताएं केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो अगर हम सांद्र अम्ल यूज़ करते हैं यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो ऊनी तंतु खराब हो जाएगा, लेकिन तनु अम्ल जो होता है डेल्यूट एसिड उससे खराब नहीं होता। लेकिन फिर भी तनु अम्ल यूज़ करने के बाद में वस्त्र को पानी से धो लेना चाहिए। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड क्षार कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली यूज़ करते हैं तो तंतु खराब हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रल या जेंटेल या फिर तनु क्षार यूज़ करते हैं तो जो ऊनी वस्त्र है वो नीट एंड क्लीन साफ हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता। और ऊनी वस्त्रों पर कोई ब्लीच का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर बार बार कोई ब्लीच करता है या बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ब्लीच यूज़ करता है तो वस्त्र कमज़ोर हो जाता है, कलर फेड हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से ये ऊन की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल है, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। इस तरह से ये नेचुरल फाइबर्स जो सेल्युलोजिक फाइबर्स थे वो कंप्लीट हो गए। कपास यानी कॉटन लिनन कॉयर
फ्लैक्स और हेम्प, जूट और हेम्प, ये सारे सेल्युलोजिक थे। और नेचुरल में जो एनिमल फाइबर्स होते हैं या प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं, जिनको हम जांतव तंतु कहते हैं या प्रोटीन तंतु कहते हैं, वो दो होते हैं, एक सिल्क यानी रेशम, एक होता है वूल यानी ऊन। सिल्क के बारे में सारा पढ़ा दिया, उत्पादन और विशेषताएं वगैरह, और वूल और ऊन के बारे में कि कहाँ से प्राप्त होती है, क्या विशेषताएं होती है, कैसे उत्पादन होता है। तो इस तरह से नेचुरल फाइबर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कृत्रिम रेशे, जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, मानव कृत तंतु, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।